वालेकुम सलाम उसामा साहब। चले मेरे बेटे, हमारा जो टॉपिक है वो आज टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स है। टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स, टॉर्क और इसको वैसे मोमेंट ऑफ फोर्स का नाम भी देते हैं। टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। टॉर्क को मेरा बेटा हम मोमेंट ऑफ फोर्स का नाम भी देते हैं। मेरे बच्चे, जैसे ही मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाया जाता है, घुमाया जाता है, तो मेरा बेटा उसको हम नाम देते हैं टॉर्क। सर क्या हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिया करेंगे? अगर फी नहीं भी नहीं मेरा बेटा, जहाँ तक मुझे पता है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल नहीं होंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए होंगे जो क्लास में फ़ी दे के आएंगे। अब मेरे बेटे, मैं यहाँ पे ये बात करना चाह रहा था कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई जाए और फोर्स लगाकर उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाए, उसको घुमाया जाए, तो उसको मेरा बेटा क्या नाम देते थे? टॉर्क। जैसे कि स्टेयरिंग ऑफ अ कार, फोर्स लगाकर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। किसी भी नट को टाइट या लूज करने के लिए, किसी भी नट को टाइट या लूज करने के लिए हम स्पैनर को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। इसकी रोटेशन को भी क्या नाम दिया जाता है मेरा बेटा आपके पास? टॉर्क। इसकी रोटेशन को भी क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? टॉर्क। जी मेरे बेटे, हम भी आप सबको बहुत मिस करेंगे। सो फोर्स लगाकर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसको हम टॉर्क का नाम देते हैं या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स का नाम देते हैं। यहां पे एग्जांपल ये ले लेते हैं मेरा बेटा कि जैसे आपके पास मेरा बेटा एक स्पैनर है, आपने एक नट को टाइट या लूज करना है, तो आप उसमें मेरा बेटा स्पैनर के ऊपर क्या लगाओगे? फोर्स लगाओगे, और इसको टाइट या लूज करते हुए जो आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसको मेरा बेटा क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। सो फोर्स लगाकर नट को टाइट या लूज करना, उसको मेरा बेटा हम क्या नाम देते हैं? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का। अब मेरे बेटे, जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनिएगा, आपने फोर्स लगाई यहां पे, जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी रोटेट कर रही होती है, घूम रही होती है, उसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन का। उसको क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? एक्सिस ऑफ रोटेशन का। जिस पॉइंट पे, या पिवट पॉइंट, या फिर हम नाम देते हैं मेरा बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन, या तो हम उसको पिवट पॉइंट कहते हैं, या फिर मेरा बेटा उसको क्या नाम देते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन का। लेकिन मेरे सर मुझे घर पढ़ाने आएंगे गनवा, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले रही। सही हो गया मेरा बेटा। मेरे बेटे, आप लोग मुझे इजाजत दें तो मैं ये टॉपिक पढ़ा लूं, या आज आप लोगों ने यही गपशप करनी है? चले मेरा बेटा, अगेन बात करते हैं, जिस पॉइंट के गिर्द, जैसे कि मेरा बेटा हम किसी दरवाजे को खोलते या बंद करते हुए टर्निंग इफेक्ट फोर्स लगा रहे होते हैं, तो जहां पे दरवाजा रोटेट कर रहा होता है अपने पॉइंट के गिर्द, उसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन का। गाड़ी का स्टीयरिंग जिस पॉइंट के गिर्द घूम रहा होता है, उस पॉइंट को अब्दुल्ला बेटा नाम देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन का। और जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही हो, जैसे कि नट को टाइट या लूज करते हुए, ये वो लाइन है जिसके अलोंग मेरी क्या लग रही है मेरा बेटा? फोर्स। इस लाइन को मैं नाम दूंगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इस लाइन को क्या नाम देंगे मेरा बेटा? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। द लाइन अलोंग द फोर्स इज एक्ट इज कॉल्ड मेरा बेटा, मेरे पापा खुद सर हैं इसलिए मैं फी नहीं दूंगी, ठीक है मेरा बेटा, द लाइन अलोंग द, या फिर द फोर्स अलोंग द लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, या जिस लाइन के अलोंग फोर्स लग रही हो मेरा बेटा, उसको हम नाम देते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का।
उसको क्या नाम देते हैं मेरा बेटा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। उस पॉइंट को क्या नाम देते हैं मेरे बेटे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब मेरे बेटे अगेन मैं बता दूं, जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी रोटेट कर रही होती है, जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी रोटेट कर रही होती है, मैं यहां पे एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को। जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी रोटेट कर रही होती है, ये देखो, अब ये मेरा बेटा आपके पास इस पॉइंट के गिर्द बॉडी रोटेट कर रही होती है, इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन का पिवट पॉइंट कहते हैं। और ये पूरी लाइन आपके पास क्या कहलाती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहां पे मेरा बेटा आप क्या लगा रहे होते हैं, फोर्स। अब जिस लाइन के अलोंग फोर्स लग रही हो उसे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं, और जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी रोटेट कर रही हो उसे एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं मेरा बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब मेरे बेटे द डिस्टेंस बिटवीन, ये जो स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस आ रहा है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन में, ये जो स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस आ रहा है मेरा बेटा बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं मेरा बेटा मोमेंट आर्म का। इस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं मोमेंट आर्म का। द डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। हम ना बेटा ये तो डिपेंड करता है कि अगर कोई फ्रेश कैंडिडेट्स होते हैं, फ्रेश स्टूडेंट्स होते हैं, तो हम बिल्कुल स्टार्ट से करेंगे। तो आपकी बुक में मेरा बेटा सबसे पहले पेज नंबर 90 पे डेफिनेशन लिखी हुई है टॉर्क की, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ये आपने हाईलाइट कर लेनी है। उसके बाद मेरा बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद पेज नंबर 491 पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स लिखा हुआ है, उसको हाईलाइट कर लेना है। अब मेरा बेटा मैं बात कर रहा था द डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, द डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, द डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको हम नाम देते हैं मेरा बेटा इज कॉल्ड मोमेंट आर्म, इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। द डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। इसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं मोमेंट आर्म का, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आर से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं मेरा बेटा, आर से। अब टॉर्क की डेफिनेशन में यह कहा जाता है कि टॉर्क एक्चुअली प्रोडक्ट है फोर्स का और मोमेंट आर्म का। इस बात का मतलब यह है कि अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, एफ मल्टीप्लाई बाय आर, टॉर्क का फॉर्मूला कि मैंने, अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा मोमेंट आर्म को, वैसे यहां पे आर नहीं बल्कि आपकी बुक में एल से रिप्रेजेंट किया गया, फर्स्ट ईयर में आर से, सो एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब यहां पर मैं एग्जाम्पल यह देता हूं कि अगर स्पेनर की लेंथ ज्यादा होगी तो टर्निंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। जी मेरा बेटा, मैं रिपीट करता हूं, अगर स्पेनर की लेंथ कम होगी तो मेरे पास मेरे बच्चे जो टर्निंग इफेक्ट है वो कम प्रोड्यूस होगा। फोर्स ज्यादा लगाएंगे टॉर्क ज्यादा होगा, फोर्स कम लगाएंगे तो टॉर्क कम होगा। सो मोमेंट आर्म जो मेरा बेटा पेज नंबर 91 पे लिखा हुआ है, इसके फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर मोमेंट आर्म की डेफिनेशन है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। उसके बाद इसके लास्ट वाले पैराग्राफ में इसके ऊपर क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट इज द डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क, पेज नंबर 91 पे, व्हाट इज डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क, टॉर्क किस पे डिपेंड करता है।
जी मेरे बेटे, यहाँ तक मुझे बता दें, कोई क्वेश्चन पूछना है। डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क का मतलब ये है मेरा बेटा, टॉर्क किस किस पे डिपेंड करता है? टॉर्क फोर्स पे डिपेंड करता है और मोमेंट आर्म पे डिपेंड करता है। फोर्स ज़्यादा कर देंगे तो टॉर्क ज़्यादा हो जाएगा, मोमेंट आर्म ज़्यादा कर देंगे तो तब भी टॉर्क ज़्यादा हो जाएगा। इन दोनों पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। अब मैं फोर्स की यूनिट की बात करूँ तो न्यूटन होता है, डिस्टेंस के यूनिट की बात करें लेंथ, डिस्टेंस है मीटर, तो टॉर्क का यूनिट बन गया मेरा बेटा आपके पास न्यूटन मीटर। टॉर्क का यूनिट बन गया मेरा बेटा आपके पास न्यूटन मीटर। जी मेरा बेटा, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अगेन मेरे बच्चे, सबसे पहले टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को मेरे बेटे हम नाम देते हैं टॉर्क का, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। इसको मेरा बेटा हम क्या नाम देते हैं? टॉर्क का फोर्स लगाकर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना मेरा बेटा, डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क एंड दगे, जहाँ तक उसका फॉर्मूला और यूनिट आ रहा है। सो इसके बाद एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात की, जिस लाइन के जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी रोटेट करती है उसको हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा। उसके बाद मेरा बेटा जिस लाइन के अलोंग फोर्स लग रही है उस लाइन को हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मेरा बेटा हम मोमेंट आर्म कहते हैं और इसको डिनोट किया जाता है मेरा बेटा एल से। अब हमने फॉर्मूला लिखा कि टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। तो यहां से यह चीज पता चल गई कि टॉर्क की वैल्यू दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक फोर्स पे और दूसरा मेरा बेटा आपके पास मोमेंट आर्म पे, एक फोर्स पे और दूसरा मेरा बेटा आपके पास मोमेंट आर्म पे। फोर्स ज्यादा करते जाएंगे टॉर्क ज्यादा होता जाएगा, मोमेंट आर्म ज्यादा करते जाएंगे तब भी टॉर्क क्या होता जाएगा मेरा बेटा? ज्यादा होता जाएगा। मेरे ख्याल में मेरे बच्चे मैंने आप लोगों के लिए इसको दोबारा से ही रिपीट किया है। उसके बाद मेरा बेटा यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन पेज नंबर 90 पे रिजिड बॉडी की भी गिवन है। सारी डेफिनेशन के बाद रिजिड बॉडी की भी बात करते हैं। रिजिड का मतलब होता है मेरा बेटा सख्त, मजबूत। सो नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड बॉडी, इसका मतलब क्या बनता है? रिजिड बॉडी या सख्त बॉडीज का मतलब क्या होता है? कोई भी बॉडी होती है मेरा बेटा वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। जैसे कि हम सॉलिड लिक्विड गैस की हमेशा बात करते हैं, अब ये एक रिजिड बॉडी है। इस बात का मतलब ये होता है मेरा बेटा कि जब आप इनके जो पार्टिकल्स हैं, जैसे कि बोर्ड है, इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनके जो दरमियान डिस्टेंस है मेरा बेटा, उसको हम फोर्स लगाकर चेंज नहीं कर सकते। लाइक यहां पे मैं फोर्स लगाऊं तो ये पार्टिकल्स आगे पीछे डिस्प्लेस नहीं हो रहे। या फिर आप सिंपली ये कहो कि जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओ, जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओ और उसकी शेप में कोई चेंज ना आए, ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी का नाम देते हैं। आप जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं और उस बॉडी की शेप में किसी किस्म का कोई चेंज ना आए तो ऐसी बॉडी को मेरा बेटा हम रिजिड बॉडी का नाम देते हैं। ऐसी बॉडी जिसके ऊपर मेरा बेटा आप फोर्स लगाएं, ऐसी बॉडी जिसके ऊपर मेरा बेटा आप फोर्स लगाएं तो और उसकी बॉडी में या उसकी में किसी किस्म का कोई शेप में किसी किस्म का कोई चेंज ना आए तो ऐसी बॉडी को मेरा बेटा हम नाम देते हैं रिजिड बॉडी का। ऐसी बॉडी को मेरा बेटा हम नाम देते हैं रिजिड बॉडी का। अ बॉडी इज कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स और अगर इनके दरमियान, सर सॉलिड होती है रिजिड? जी मेरा बेटा, इन अदर वर्ड्स में भी लिखा हुआ है ना मेरा बेटा,
अगर आप फ्रिजिड बॉडी वाले पैराग्राफ में जाओ तो लास्ट लाइन में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, जी अ बॉडी इज द वन दैट इज नॉट डीफॉर्म्ड बाय द फोर्स और फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। जी मेरा बेटा, अब इससे रेलिवेंट किसी किस्म का कोई क्वेश्चन मेरी जान पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी शहजादो, शहजादो, शहजादियों, मेरा बेटा कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो पूछें। सर बुक्स पर निशान लगवा दें एक्सिस ऑफ रोटेशन का। जी मेरा बेटा, मैं निशान लगवा देता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन सबसे पहले मेरा बेटा, अगर आप आए पेज नंबर 91 पैराग्राफ, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको अंडरलाइन कर लें, उसके बाद रिजिड बॉडी में लास्ट दो लाइनें अंडरलाइन कर लें तब भी क्लियर है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हाईलाइटेड लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लें। मूवमेंट ऑफ फोर्स, ये सारी डेफिनेशन है, सॉरी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, आपके पास तीन लाइंस लिखी हुई हैं। द लाइन अलोंग विद द फोर्स एक्स इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, सिर्फ ये याद कर लें। उसके बाद मेरा बेटा मूवमेंट आर्म में फर्स्ट दो लाइंस में लिखा हुआ है मेरा बेटा द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बेटा क्लासेस का टाइम एक्जैक्टली यही है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म। और उसके बाद सेकंड पैराग्राफ के ऊपर आप लिखेंगे व्हाट इज द डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क, टॉर्क किस पे डिपेंड करता है।